तो आज हमारे पास एक ग्रैंड आइटन कार आई है पेट्रोल वेरिएंट, जिसमें आरपीएम फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है। जैसे मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ एंड गाड़ी के एसी को ऑन करता हूँ, तो इसका जो आरपीएम है वो फ्लक्चुएट होने लगता है। आप देखिए, मैंने बिल्कुल भी थ्रॉटल के वहाँ पे मेरा पैर नहीं रखा है, एक्सीलेटर के वहाँ पे मेरा पैर नहीं रखा है, बट फिर भी इसका जो आरपीएम फ्लक्चुएट हो रहा है। इंस्पेक्शन करने में पता चला कि इसका जो थ्रॉटल बॉडी है इसे हमें क्लीन करना पड़ेगा। सो अगले स्टेप में हम कार का थ्रॉटल बॉडी क्लीन करेंगे। तो हमने इसका थ्रॉटल बॉडी क्लीन करके देखा, तो हम चेक करेंगे। सो गाइस, अभी गाड़ी का पूरा काम हो चुका है एंड अभी हम कार को फिर से स्टार्ट करेंगे एंड गाड़ी का एसी भी ऑन करेंगे। तो आप देख सकते हो अभी इसका जो आरपीएम फ्लक्चुएशन है वो बंद हो चुका है, अभी आरपीएम इसका बिल्कुल भी स्टेबल है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। मैं आपको जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग।